आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आप लोग लेके चल रहे हो रेणुकेश्वर मंदिर और वहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। इस वीडियो का शुरुआत हम लोग करते हैं रेणुकूट रेलवे स्टेशन से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेणुकूट का रेलवे स्टेशन है और मैं अभी प्रेजेंट में वहीं पर हूँ। और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अभी निकलते हैं हम लोग मेन गेट पर। ये स्टेशन का बाहर का पार्किंग है और अभी मैं पैदल चल रहा हूँ, तो लेके चलता हूँ आप लोग को मेन रोड पे। तो अभी हम लोग आ गए मेन रोड पे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भाड़ कैसा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेणुकूट रेलवे स्टेशन से रेणुकूट शहर। तो आप लोग देख सकते हैं ये रेणुकूट शहर का सुंदर नजारा। तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर और ये मंदिर का तरफ जाने वाला रास्ता है जो हिंडाल्गो कॉलोनी होके जाता है ये मंदिर। तो अभी हम लोग हिंडाल्गो कॉलोनी से गुजर रहे हैं और यहाँ से हम लोग लेफ्ट की ओर जाएंगे। फाइनली हम लोग आ गए मेन गेट पे, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। तो चलिए आप लोग को लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर और देख सकते हैं आपका यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा। ये मंदिर का समय सारणी है वो देख सकते हैं। मंदिर के अंदर आप लोग जैसे ही इन कीजिएगा तो सबसे पहले भगवान सूर्य का ये प्रतिमा आप लोग को दिखेगा जो काफी खूबसूरत है। तो अब हम लोग सीढ़ियों से मंदिर की ओर बढ़ते हैं और ये काफी खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। तो लेके चलता हूँ आप लोग अब आगे और अगल बगल अब तक तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये जगह और बगल में ये फव्वारा जो काफी खूबसूरत फव्वारा है। ये मंदिर का नीचे का हिस्सा है और अभी हम लोग मंदिर की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे और इधर का आप लोगों को खूबसूरती आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और इसका रख रखाव हिंडाल्गो कंपनी द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों को लेके चलता हूँ आगे की ओर और वहाँ का खूबसूरती आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये सीढ़ियों का खूबसूरती है और यहाँ का जो नाइट का जो व्यू होता है काफ़ी खूबसूरत व्यू है आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत ये लाइटें। तो आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर का जस्ट नीचे का ये व्यू है और ये मंदिर का मेन द्वार है। आप लोग देख सकते हैं ये सामने
ये मंदिर के कार्यकर्ताओं या पुजारियों का रहने का ये जगह है, और उसी के सामने ये छोटा सा ग्राउंड और ये खूबसूरत सा लाइट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पानी का खूबसूरत सा फव्वारा। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, और जस्ट इसके सामने आप भगवान भोले का एक सुंदर सा शिवलिंग है। तो अब हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है रेणुकेश्वर महादेव का मंदिर जो काफी खूबसूरत है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था, और इस मंदिर का नाम बिड़ला ग्रुप मंदिरों में आता है। तो चलिए आप लोग और आगे लेके चलता हूँ और इस मंदिर की खूबसूरती दिखाता हूँ। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, जिसे बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है, इस मंदिर का नाम बिड़ला ग्रुप मंदिरों में आता है। ये मंदिर का जस्ट पीछे का ये हिस्सा है, और काफी बहुत सारा जगह है पीछे, और काफी कुछ एक्टिविटी होती है इस मंदिर के प्रांगण में। तो आप मंदिर के कारीगरी को देख सकते हैं, काफी खूबसूरत ये कारीगरी किया गया है इस मंदिर पे, और ये काफी खूबसूरत मंदिर है। ये कलाकृतियां अद्भुत कारीगरी का नमूना प्रस्तुत करता है। सोनभद्र की रेणुकूट का अद्भुत नजारा, वो भी बिड़ला मंदिर जो कि बिड़ला जी बनवाते हैं, और हम यहाँ घूम रहे हैं। देखा पूरा नजारा लीजिए, रेणुकूट में खुद ही एक अद्भुत नजारा है। जगह अद्भुत नजारा है, आपका मन का शांति है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह कॉमेडी बोल बोल को मैं करता रहूँगा। अगर आपका लाडा प्यार मिला तो ओके बाय। इस मंदिर की खूबसूरती को आप लोग देखिए, काफी खूबसूरत नजारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस मंदिर का, और ये रात का व्यू है। इस मंदिर में घूमने का सबसे सही समय शाम को 7 बजे है, तो ही आप लोग इस नजारे को देख पाएंगे। ये मंदिर कारीगरी का एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती है। आप देख सकते हैं ये अगल बगल का नजारा है, और ये खूबसूरत सा ये फव्वारा। ये घनश्याम दास बिड़ला जी का ये प्रतिमा है, आप देख सकते हैं आदित्य विक्रम बिड़ला जी का ये प्रतिमा। योगेश्वरी देवी जी का ये प्रतिमा। शाम के समय यह काफी भीड़ भाड़ रहती है, आप लोग देख सकते हैं। ये मंदिर के सामने नंदी का एक विशाल सी आकृति।
तो हम लोग अब काफ़ी समय बिताने के बाद अब हम लोग घर की ओर चल दिए। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रेणुकेश्वर मंदिर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का हम लोग यही ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वैसे तो इंटरेस्टिंग हम भी है, मेरा ब्लॉग भी रहता है, आपको अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगा। बट आप लोग लाइक शेयर करना ना बोले, लाइक शेयर कीजिएगा तभी तो बना पाऊँगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी तो। ओके बाय।